इस वक्त बड़ी खबर बता दें आपको, रायपुर से शराब घोटाला मामले में घोटाले से जुड़े आरोपियों पर ईडी का एक्शन। ईडी ने आरोपियों की संपत्ति की अटैच, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा की संपत्ति अटैच की, 205 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच, 18 चल और 161 अचल संपत्ति अटैच। ईडी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर आ रही है, रायपुर से 205 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच, शराब घोटाला मामले में ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर आ रही है राजधानी रायपुर से। ईडी ने आरोपियों की संपत्ति अटैच की है, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा की संपत्ति अटैच हुई है, 205 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। शराब घोटाला मामले में इस वक्त बड़ी खबर निकलकर आ रही है राजधानी रायपुर से, घोटाले से जुड़े आरोपियों पर ईडी का एक्शन। ईडी का शिकंजा कसने लगा है, ईडी ने आरोपियों की संपत्ति अटैच की है, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा की संपत्ति अटैच हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर आ रही है, शराब घोटाला मामले में घोटाले से जुड़े आरोपियों पर ईडी का एक्शन। ईडी ने आरोपियों की संपत्ति अटैच की है, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा की संपत्ति अटैच की गई, 205 करोड़ 49 लाख की प्रॉपर्टी यहां पर अटैच हुई है। शराब घोटाला मामले में इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर आ रही है, घोटाले से जुड़े आरोपियों पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। मनोज नायक इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, यहां पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है और ईडी ने आरोपियों की संपत्ति अटैच भी की है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, शराब घोटाले मामले में पहले भी ईडी ने इनकम टैक्स की सूचना पर जो है ईपीआईआर दर्ज किया था, और उस समय भी जो है अनवर ढेबर की कई संपत्तियां जो है चल और अचल संपत्तियां वह अटैच की थी, और एक बार फिर जो है अब नई ईपीआईआर पर जो है ईडी का एक्शन देखने को मिला। इसमें सबसे पहले जो पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और साथ ही साथ जो है अनवर ढेबर की कई चल और अचल संपत्तियों पर जो है ईडी की गाज गिरी है, इन्हें अटैच किया गया है। करीब 205 करोड़ 49 लाख रुपए की यह संपत्ति बताई जा रही है, जिसमें 18 चल संपत्ति है और 161 अचल संपत्ति है, जिसे ईडी ने अभी अटैच किया हुआ है, आगे की कार्रवाई जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।